अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की पावर पॉइंट बेसिक एनिमेशन मॉर्फ ट्रांजिशन में हम सीखेंगे कैसे हम एक कंपनी की इनहेरिटेंस को एनिमेशन करते हैं। ये देखें, मैंने बुनियादी तौर पे सैलरीज को और कंपनी की जो प्रोफाइल है, डेजिग्नेशन है, जो भी पर्सन है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है। ये जो मैंने इमेज यूज़ की हुई है, ये मैंने अनस्प्लैश वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा इसकी बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव की है वो वीडियो अपलोड की है, आई बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो इमेज है उसकी बैकग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ एक कलर होना चाहिए, ज़्यादा कलर होंगे तो क्रॉप करने में और इसके रिमूव करने में मसला होगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं विंडो सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं और कंट्रोल एन की मदद से मैं न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। लेआउट पर जाते हैं और ये लेआउट में मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ब्लैंक करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी इसको कर देता हूँ और इसकी जूम थोड़ा सा आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से हम एक शेप ड्रा करते हैं। शेप ड्रा करने के बाद ट्रैक बनाते हैं। ये मैंने इसे किया, ठीक है। इसकी आउटलाइन में जाके इसे हम करेंगे ब्लू कलर, फिल में जाके हम इसे ग्रे कर देंगे, लाइट ग्रे। और यहाँ से इसका जाके वेटेज में कर दूँगा 6 और यहाँ से जाके हम करेंगे डॉटेड, ठीक हो गया। और जो मैंने प्रीवियस वाली फाइल है उसके ऊपर जो मैंने इमेज डाउनलोड की है, कॉपी की है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। थोड़ी कंट्रोल दी, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक लाइन भी सेंटर में ड्रा करनी है। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। लाइन की शेप में जाएंगे, इसे येलो कलर देंगे। येलो कलर देने के बाद इसकी जो है जो भी थे वो 7.4 समथिंग और यहाँ से हम इसे करेंगे डॉटेड। ये हमारे पास अब ये एक लाइन बन ड्रा हो चुकी है, ये ट्रैक बन गया। कंट्रोल जी हम इसे कर दिए गए। अब इसे प्रीसेट में जाएंगे, प्रीसेट में 3D में जाके इसे, सॉरी ये अभी नहीं करने की ज़रूरत है, बस ठीक है। अब इसे कंट्रोल वी से मैंने प्रीवियस अपनी फाइल ऐड कर ली। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे, इसी के हम इसे एक डुप्लीकेट बनाएंगे, इसी फर्स्ट स्लाइड की डुप्लीकेट होगी। और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले ये जो ऊपर इमेज पड़ी हुई है इसे मैं रिमूव कर दूँगा। ये क्या हो गया, ये जो ऊपर वाली इमेज है मैं इसे रिमूव करना है। और जो मेरा नीचे ट्रैक है हम इसे 3D इफेक्ट दे देंगे। हम इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं और इसके बाद शेप इफेक्ट इफेक्ट में जाके 3D रोटेट, और रोटेट में जाने के बाद हम इसे ओ फैक्टर 1 टॉप कर देते हैं। इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ से इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ये हमारा ट्रैक तकरीबन तैयार हो चुका है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे ताकि ये हमारे पास जो ट्रैक है इसकी जो साइड बाहर है वो हमारे साइज में अंदर ही आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे एडिट शेप, एडिट शेप में जाके अभी इसकी लाइन में ऐड कर लेता हूँ। लाइन इसकी रिमूव हो गई थी। ये लाइन ड्रा हो गई है। शेप में जाएंगे येलो, इसका वेटेज आ गया।
अच्छा अभी ये हमारे पास दोबारा ये जो जितने भी इमेज हैं इसे मैं एक बार पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ सबसे पहले इसकी हाइट को कम करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4 और इसकी जो विड्थ है और इसे करेंगे 2.5। हाइट इसकी करेंगे 4, ठीक हो गया। अब इन सबको ला के हम इसकी इसकी सेटिंग कर देंगे, अरेंज कर देंगे। मैंने अब ये सेटिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक हो गया। अब हम ये इसे देते हैं मॉर्फ ट्रांजिशन में जाते हैं, इसे मॉर्फ कर देता हूँ, ये देखें ठीक आ गया। अब हम इसके करेंगे क्या कि हमने ये वाली स्लाइड की डुप्लीकेट बनानी है, आगे 5 डुप्लीकेट बनानी है, इससे मैं इसे सबको डुप्लीकेट करता जाऊँगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। और ये हमारे पास ये जिस आगे हम देखें ये सारे मॉर्फ ट्रांजिशन होता जा रहा है, इन सबको मैं सेलेक्ट करके मॉर्फ खत्म कर दूंगा। कंट्रोल डी की मदद से मैं डुप्लीकेट मजीद बनाऊंगा, 7 मैंने डुप्लीकेट बना लिए हैं। 7 डुप्लीकेट बनाने के बाद हम करेंगे क्या, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला मॉर्फ ट्रांजिशन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और इसका साइज हम करेंगे 7.5 और जो इसकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुकी है, हम इसे यहाँ पे ला कर ड्रा कर देंगे ये इसके ट्रैक के ऊपर। और यहाँ से हम जाएंगे इसके कलर में, फॉर्मर फॉर्मर में जाएंगे कलर को, और कलर में जाके हम इसे करेंगे कलर दे देंगे ग्रे, ये ग्रे कलर दे देंगे। तो इसके साइज रहा इसी तरह सेकंड वाली रो में जाएंगे, ये हमारे पास फीमेल्स है, फीमेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7.5 और जिसकी विड्थ है वो करेंगे हम 4.5। जूम आउट करेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो, नहीं तो इसकी आसानी ये है। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट इमेज में जाएंगे, फॉर्मेट इमेज में जाने के बाद ये हमारे पास आएगा साइज, साइज ए सॉरी ये जाएगा इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे करेंगे लॉक एक्सेप्ट रेशियो को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हम जाएंगे 7.5 ओके, और जिसकी विड्थ है वो आएगी हमारे पास, अब इसके ऊपर ला कर साइज के ऊपर कर देंगे। और यहाँ से इसे क्या करेंगे थोड़ा सा कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद हम इसे चलें ग्रे कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट 4 स्लाइड पर जाएंगे, 4 स्लाइड के ऊपर जाने के बाद फोर ट्रांजिशन के ऊपर जाएंगे जो हमारे पास है नेक्स्ट वाली स्लाइड, इसके ऊपर साइज में चले जाएंगे हम सबका यही साइज करते जाएंगे 7.5 और जो विड्थ है जी 4.5। इसके फॉर्मर फॉर्मर में जाएंगे, फॉर्मर में जाने के बाद इनका भी कलर हम चेंज करेंगे ग्रे कर देंगे। इसी तरह मेरे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं स्लाइड्स के ऊपर जाता जाऊंगा और इसकी स्लाइड में करता जाऊंगा, मैं पॉज करके कर लेता हूँ ताकि हमारे टाइम की बचत हो। मैंने पॉज करके सारी सेटिंग कंप्लीट कर लिया, अब हम हर स्लाइड के ऊपर जाएंगे ट्रांजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे मॉर्फ क्लिक करते जाएंगे, 4 ट्रांजिशन के ऊपर भी जाऊँगा मॉर्फ, 5 के ऊपर भी जाके हम करेंगे मॉर्फ ट्रांजिशन, और इसके बाद ये देखें ये सारी मेरे पास आ गई मॉर्फ ट्रांजिशन हो गई है, मॉर्फ ट्रांजिशन आ गई है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैं प्रीवियस वाली स्लाइड से ही कॉपी कर लूँगा, लेकिन एक मैं लिख के दिखा देता हूँ बाकी आप वहीं से मैं कॉपी कर लूँगा। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और ये से हमारे पास टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे एलेक्स एज सॉरी, इंसर्ट पर जाकर हम लिखेंगे यहाँ से शेप में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ही ड्रा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर एलेक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपीरियंस आप एज क्वालिफिकेशन कुछ और ये पे सैलरी, कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे ऐड ऐड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 कर देंगे, कंट्रोल बी कैसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे से
एनिमेशन, एनिमेशन पे जाने के बाद हम ये करेंगे ऐड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन पे जाके हम करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट, कंपोज कर देंगे, ओके कर देंगे। और ये हमारे पास सॉरी ये सबको लाके है, जैसे कंट्रोल जी एनिमेशन पैनल्स जाके हमने यहाँ पे क्लिक करना है, चैनल को सिलेक्ट नहीं करना है, ऐड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन पे जाके हम करेंगे मोर, मोर पे जाके हम करेंगे देखिए कंप्रेस, ठीक हो गया। अब इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम करेंगे विद प्रीवियस, कि जैसे हमारे पास पिछला हो तो हमारे पास इसके साथ काम होना शुरू हो जाए। मेरे पास ये नीचे ही पहले प्रीवियस वाली फाइल में नीचे था वो है थी, डेजिग्नेशन हम ऐड कर सकते, अब नहीं करी तो यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या हम करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी नेक्स्ट वाली फाइल पे चले जाएंगे कंट्रोल वी, ये जो हमारे पास मैम है इनका नाम लिख लेंगे, एलेक्सा जो भी सैलरी है इसकी, जो भी वट एवर है, कंट्रोल वी बिल, बिल आ गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये भी स्लाइड है, कंट्रोल वी एलन, शेड है, और ये हमारे पास आ जाएगा मिस्टर, अब इसे एक बार प्ले करते हैं। ये देखिए स्मूथली हमारे पास प्ले हो रहा है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ मजीद ऐड कर सकते हैं, सिंपल है, बेसिक है, इजी है, इसमें कुछ ही किसी किसका कोई मसला नहीं है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़। और दोस्तों से गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।